वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज राहुल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक सप्लीमेंट का रिव्यू देने वाला हूँ। बेसिकली जो सप्लीमेंट्स मैं लाता हूँ, खुद के लिए यूज़ करता हूँ, उसका रिव्यू मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, जिससे आप सबकी भी हेल्प हो पाए। तो रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था। स्विस कंपनी आती है, आपने देखा होगा, ये ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है। तो उनका एक फिश ऑयल आता है, ये स्काई ब्लू कलर का पैकेज आता है इनका, हाई स्ट्रेंथ वाइल्ड फिश ऑयल। सो ये मैंने रिसेंटली बाय किया था, ऑलमोस्ट 15-20 दिन यूज़ करने के बाद मैंने सोचा आज का रिव्यू शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर फिश ऑयल आजकल वाओ का, मसल ब्लेज का या किसी जो दूसरे ब्रांड से ऑन, इनके फिश ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये थोड़ा नया था तो मैंने सोचा कि एक बार इसको यूज़ करते देखता हूँ, अगर अच्छा होगा तो उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात करता हूँ, तो ये जो पूरा डब्बा है, काफ़ी बड़ा डब्बा है, इसमें कैप्सूल्स आते हैं, 200 कैप्सूल आते हैं, 200 कैप्सूल्स आते हैं। और जब मैंने इसको बाय किया था तो उस समय मेरे को पड़ गया था 1200 रुपये का, जबकि अगर आप वाओ फिश ऑयल लेंगे तो वो आपको पड़ता है अराउंड 800 रुपीज़ का, 60 कैप्सूल, जिसमें हम एक कैप्सूल रोज खाना होता है। तो 1200 रुपये में 200 कैप्सूल मिल गए, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा कैप्सूल आपको उसमें मिल रहा है। और इसका जो EPA, DHA और ओमेगा फैटी एसिड्स का जो क्वांटिटी है एक कैप्सूल में, वो सेम है उसके वाओ के इक्वल है, 1500 mg ईच कैप्सूल में आपको मिलता है, जिसमें आपको EPA मिलता है 270 mg, DHA मिलता है 180 mg, नेचुरल फिश ऑयल 1.5 mg। और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जून 2022 का, एक्सपायरी जून 2025 का है। और इसके साथ जो इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो ऑस्ट्रेलिया का है, मैन्युफैक्चरिंग भी ऑस्ट्रेलिया का है, तो प्रॉपर बाहर का ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया का है, और वहाँ का काफ़ी फेमस ब्रांड है स्विस करके। और काफ़ी जो टेस्टेड होते हैं, लैब टेस्टेड, वो भी इसके ऊपर किया हुआ है, मतलब फ्री रेंज जो फिश यूज़ की गई है, वाइल्ड फिश यूज़ की गई है ऑयल बनाने के लिए, और हैवी मेटल टेस्टेड है, नो एडेड ग्लूटेन, FSSAI का लोगो भी लगा हुआ है इसमें। तो बाकी फिश ऑयल का आपका बेनिफिट्स तो आपको पता होगा, हमारे बॉडी में फिश ऑयल का, ओमेगा फैटी एसिड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, हमारे माइंड से लेके जोड़ों तक, माइंड आईज और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, जोड़ों के लिए, मेमोरी के लिए फिश ऑयल बहुत ही अच्छी चीज़ है, आँखों की रोशनी के लिए, बच्चों के लिए भी ओमेगा एसिड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स। और बात करें तो इस पर्टिकुलर ब्रांड का, तो इसको लेने के बाद किसी तरह का वो डकार वगैरह नहीं आता है, और अच्छे से एक कैप्सूल लेने के बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको दिक्कत या कोई डकार, कोई गंदा टेस्ट नहीं आता मुँह में। और इफ़ेक्टिवनेस की बात करूं तो मुझे वाओ से अच्छा लगा इसका इफेक्टिवनेस, मतलब वाओ का भी कैप्सूल काफ़ी अच्छा है, बट वो एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी महंगा हो गया है। जब वो लॉन्च हुआ था तो 550-600 का मिलता था, अभी उन्होंने रेट ऑलमोस्ट हाफ इंक्रीज कर दिए हैं, यानी 850-900 तक चला जाता है उसका रेट। तो 1200 रुपये में आपको 200 कैप्सूल मिल रहे हैं, बट अभी मैंने इसका रेट चेक किया तो 1400 रुपये में दिखा रहा था सेम डब्बा, बट इधर उधर कूपन ऊपर लगा के आपको 1200-1300 रुपये में मिल जाएगा। तो काफ़ी सही ब्रांड लगा मेरे को इसका। मैंने एक कैल्शियम विटामिन D3 का भी बाय किया था, तो उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ ही देर में। तो इस पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं, मैंने इसको सेल्फ यूज़ किया हुआ है 15-20 दिन ऑलमोस्ट यूज़ करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा इसका। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, बट आप इनकी वेबसाइट से जाके खरीदेंगे तो आपको अच्छे डील पे मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे शायद इसका रेट ज़्यादा है। तो काफ़ी सही था इसका कैप्सूल, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का है। तो इस तरह का इसका कैप्सूल आता है फ्रेंड्स, और इसको आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो में कुछ देखना हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, उसका आंसर देने की कुछ जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियोज आते रहते हैं, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, बट वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।